अब अपन देखते हैं अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44 नीति निर्देश तत्वों का, जिसका संबंध किससे है, राज्य नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है ना, ठीक है ना, समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। तो देखो इसमें दो शब्द है खास तौर पे, है ना, एक तो वर्ड है क्या, समान, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे यूनिफॉर्म, दूसरा है सिविल, सिविल सिविल है ना, इंग्लिश में दोनों में हिंदी हिंदी सिविल सिविल ही है, ठीक है। तो और कोड है, संहिता है, ठीक है, तो है ना, कोड है, राज्य नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता की व्यवस्था करेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। एक तो देखो ये कोई लॉ नहीं है, जैसे अपन जैसे देखते हैं, मतलब ये संहिता होती है, आचार संहिता बनाते हैं, फिर इसके आधार पर कई बार जैसे क्या होता है, कानूनों का निर्माण हो जाता है अलग अलग, जो उत्तराधिकार कानून हो गया, विवाह कानून हो गया, ऐसे, ठीक है ना। लेकिन ये जैसे जो अभी अपन बात करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जैसे आदर्श आचार संहिता होती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन के दौरान, ऐसे ये है समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, काफी इंपॉर्टेंट है। दो तीन क्वेश्चन अभी प्री में भी आए और मेंस में इंटरव्यू में काफी पूछा जाता है, ठीक है। आओ, मेरे तो भिड़ते ही तीनों बार, मतलब जब ये शाहबानो केस चल रहा था तो तीन बार पूछा, फ्रॉम शाहबानो टू सायरा बानो, तो काफी इंपॉर्टेंट इशू है, अपन आएंगे इसमें देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग भी है, मजा आएगा आपको पढ़ने में। आओ, तो समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, है ना, वर्ड ध्यान देखना है, सिविल है ये, क्रिमिनल नहीं है क्या। देखो भारत में आपराधिक क्षेत्र, बढ़ती वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, भारत में आपराधिक क्षेत्र के लिए सभी नागरिकों के लिए एक समान विधि, मतलब एक समान विधि मतलब क्रिमिनल लॉज, आपराधिक लॉ का निर्माण किया गया, जिसको अपन सीआरपीसी बोलते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पिनल कोड, ये आपराधिक संहिताएं हैं, विधियां हैं, तो वो पूरे भारत में एक ही है ना। परंतु विवाह, संपत्ति और उत्तराधिकार, ये जो है ये सिविल मैटर्स हैं, सिविल, ये संबंध में अलग अलग धर्मावलंबियों के लिए पृथक पृथक विधि का निर्माण किया गया है। इस लाइन को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। ये क्या बोलता है, अभी अपने क्या पढ़ा कि क्रिमिनल के लिए है ना, और ये है सिविल, तो क्रिमिनल के लिए तो पूरे भारत में एक ही लॉ है, चाहे आप जम्मू कश्मीर में मर्डर करो, चाहे तमिलनाडु में मर्डर करो, जो सजा मिलनी है वो सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझो, चाहे आप हिंदू के रूप में मर्डर कर रहे हो, चाहे मुस्लिम के रूप में मर्डर कर रहे हो, मर्डर की सजा आपके धर्म से प्रभावित नहीं होगी। तो ये तो हो गया आपराधिक क्षेत्र के अंदर एक समान विधि का लागू। अब सिविल में क्या है, जैसे मैं आपको अब लेटेस्ट मुद्दा बताऊं, तीन तलाक वाला ही, कि मुस्लिम तलाक कानून जैसे जो है वो अलग है, कि वो जैसे तीन बार अगर लगातार बोल दे तो वो विवाह विच्छेद हो जाता है, डाइवोर्स, जबकि हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है, है कि नहीं है? सिख धर्म में ऐसा, क्रिश्चियन धर्म के अलग है, क्रिश्चियन धर्म के अंदर मैरिज होती है गिरजाघर में होगी, हिंदू धर्म में जैसे जो है वो अग्नि के, पवित्र अग्नि के सात फेरे काटने से होगी, मुस्लिम्स के अंदर निकाह का अलग कॉन्सेप्ट है ना, संपत्ति का समय अलग अलग है। तो ये सब सिविल मैटर्स हैं, कौन से देखे अपने, मैरिज देखा, डाइवोर्स का देखा, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस जैसे उत्तराधिकार के अधिनियम है वो अलग अलग है, तो ये हर धर्म के अलग अलग है। जैसे अपन देखें, वो देखा था बीजेपी एमएससी माइनॉरिटीज, तो बुद्ध, जैन, पर्शियन, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन और फिर हिंदू जैसे जो है, तो सबके अपने अपने सिविल मैटर्स में अलग अलग कानून होते हैं, जबकि क्रिमिनल में ऐसा नहीं होता है। तो यही पहली लाइन है जो समझने वाली है, कि आपराधिक के लिए पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता है, जबकि विवाह, संपत्ति आदि सिविल मामलों के अंदर अलग अलग है। तो ये जो दो वर्ड आ रहे हैं ना, ये समझने वाले हैं, एक समान और अलग अलग, समझ गए, ये बहुत कॉन्सेप्ट वाली चीज है, पता होनी चाहिए अपने को, नहीं तो चलो जाओगे बहुताओं में बह जाओगे, अरे तीन तलाक गलत हुआ बेचारी क्या करें, ये बोर गंदा काम है, भावुक मत हो जाता, कॉन्सेप्ट जरूरी है सीखना, समझे, आ जाओ, ठीक है, ये हो गया। फिर अपन क्या देखते हैं, हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए, हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए विवाह तथा उत्तराधिकार की अलग विधियां, जैसे मैंने बताया, जो सिख, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए समान रूप से लागू होती है। मतलब क्या है, देखो हिंदू कोर्ट ने भी ये माना है कि जैसे सिख, जैन और बौद्ध है ना, ये हिंदू धर्म का ही पार्ट है, मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 25 में। फिर ईसाइयों के लिए विवाह उत्तराधिकार के अलग नियम है, मुसलमानों के लिए अलग नियम है कि नहीं है? जैसे वर्तमान में हिंदुओं के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू है, जबकि मुसलमानों के लिए 1937 का मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू है, जिसके अनुसार मुसलमानों के विवाह व उत्तराधिकार के विषयों का निर्धारण करते हैं ये मुस्लिम पर्सनल लॉ।
मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार कोई मुस्लिम व्यक्ति चार महिलाओं के साथ विवाह कर सकता है तथा तलाक दी गई महिलाओं को पति से गुजारा भत्ता करने का अधिकार भी नहीं है। शाहबानो केस के अंदर ये दिया हुआ, जबकि हिंदुओं में भत्ता देना जरूरी है, गुजारा भत्ता। तो चार बार मतलब चार महिलाओं से एक मुस्लिम व्यक्ति विवाह कर सकता है, और जिस महिला को उसने तलाक दे दिया उसको गुजारा भत्ता देना भी कोई जरूरी नहीं है। ये भी आएगा राजीव गांधी वाले केस के अंदर, वर्डिंग पढ़ेंगे आगे। ओके, ये चीज आई। फिर आगे देखो क्या है, इन अलग अलग विधियों को समाप्त करके सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक समान विधि होनी चाहिए, जिससे विवाह उत्तराधिकार एवं तलाक के प्रावधान नियंत्रित हो। ठीक है ना, ये मतलब समर्थन में तर्क है यूनिफॉर्म सिविल कोड के, जबकि इसकी आलोचना भी होती है। चलो देखो आलोचना कैसे होती है यूनिफॉर्म सिविल कोड में, बताओ कि भारत देश जाना जाता है विविधताओं के लिए, है कि नहीं है? जैसे अपने जैसे बोलते हैं कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बदले वाणी, है कि नहीं? तो अपने जैसे बोलते हैं कि भाई ट्राइबल्स लोग हैं नॉर्थ ईस्ट में, उनके विवाह कानून अलग है, हिंदुओं के अलग, मुस्लिम अलग अलग है, तभी तो विविधता बनी हुई भारत में, है कि नहीं? प्लूरलिज्म अपने बहुसंस्कृतिवाद या मल्टीकल्चरलिज्म, अलग अलग है तभी तो बनी हुई है ये बहुसंस्कृतिवाद। एक कर दोगे तो कहाँ से जाएगी, सब एक हो जाएंगे फिर। तो ये कहीं ना कहीं जो सिविल समान सिविल संहिता है संहिता है, ये भारत के बहुसंस्कृतिवाद के ऊपर हमला एक तरह से। तो फिर क्या करें सर, आपने तो फंसा दिया बीच का रास्ता है ना, हमेशा बीच का रास्ता निकालना है। क्या जिस भी सिविल या किस धर्म के अंदर अति हो रही है और ऐसा प्रावधान जो कि अपन को लगता है कि मानवोचित नहीं है, गरिमा को ठेस पहुंचाता है किसी व्यक्ति को, है ना, कोई भी सिविल कोई भी कानून जैसे सिविल संहिता जैसे कोई भी विवाह या तलाक से संबंधित कानून अनुच्छेद 21 की अवहेलना करता है, जैसे तीन तलाक है कि नहीं, गरिमा पूर्ण जीवन जीने के अधिकार के अगेंस्ट में 21 मैंने बताया था अनुच्छेद 21 सबसे वृहद व्याख्या, ऐसे चैलेंज हुआ था इसमें। ठीक है, तो ऐसा विवाह कानून या तलाक कानून जो अनुच्छेद 21 की अवहेलना करेगा उसको सुप्रीम कोर्ट मान्य नहीं देगा। फिर सुप्रीम कोर्ट बोलता है सरकार को, केंद्र सरकार को विधि बनाओ और इसको पलटो। जैसे सती व्यवस्था थी तो अपने जुड़ी हुई थी मैरिज एक्ट से, तो उसको मतलब हिंदू धर्म से जुड़ी हुई थी उसको बैन किया गया। संलेखना जो जैन धर्म के अंदर अपन जैसे देखते हैं उनको बैन किया गया। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, उनको लिखो पढ़ो संलेखना तो अपने, और फिर जैसे संथाला जैसे जो है राजस्थान हाईकोर्ट में चैलेंज हुई थी जैन धर्म में, तो वो सब सिविल धर्म सिविल संहिता का भाग है, इक्वलेंट टू सुसाइड माना गया था 309 राजस्थान हाईकोर्ट में चैलेंज हुई, है कि नहीं, जैन धर्म में संलेखना। तो मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ इन चीज़ों को, उसी से पता लगेगा कौन सुनता है ऑडियो। नोट्स में लिखोगे पढ़ोगे जब पूछूंगा ना टेस्ट में संडे को तो बताओगे, उसे समझ में आएगा ऑडियो सुना कि नहीं, स्किप कर देते हो, है कि नहीं, ऐसे ध्यान रखो। ठीक है, तो एक समान सिविल संहिता की बात है, तो आलोचना मैंने आपको बता दी, तो आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर सहमति के अभाव के कारण उसे संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में शामिल किया गया। ठीक है ना, नीति निर्देश तत्वों में शामिल होने के कारण इसे लागू करने के लिए न्यायपालिका के समक्ष याचिका दायर नहीं की जा सकती, जस्टिफिएबल नहीं होते हैं, है ना। अब ये कौन से आर्टिकल में लिखी हुई थी मेरे को भाग एक बार बताओ, मैं भूल गया, पता नहीं 40 में थी, पता नहीं कहाँ थी, कि ये न्यायोचित नहीं होते हैं। कमेंट करके बताओ एक बार, ये कौन सा आर्टिकल है जो ये कहता है कि नीति निर्देश तत्व जो है ये न्यायोचित नहीं होते हैं। मैं तो भूल गया, पता नहीं शायद 26 में मेरे हिसाब से, बताओ कमेंट करके बताओ एक बार। ठीक है, तो ये सारा अपन ने देखा, एक इनका प्रीफेस है ना, भूमिका जैसे अपन ने देखी। अब न्यायालय ने समय समय पे क्या बोला है ये अपन को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, न्यायालय का स्टैंड। इसमें दो केस आएंगे, साहबानो और शायरा बानो, पहले आएगा साहबानो और दूसरा आएगा साहबानो। ठीक है, अब है ना, पहले साहबानो अपन चलो देख लेते हैं। साहबानो नामक मुस्लिम महिला को उसके पति के द्वारा तलाक दे दिया गया था, परिणाम स्वरूप साहबानो ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, है ना, ये एमपी का मामला था, साहबानो है ना, उच्च न्यायालय में अपने पति से गुजारा भत्ता देने की याचिका दायर की। पति के अनुसार मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार पत्नी को गुजारा भत्ता देने का प्रावधान नहीं है, परंतु आपराधिक प्रक्रिया संहिता मतलब ये सीआरपीसी जो अपन बोलते हैं ना, आपराधिक प्रक्रिया संहिता में महिलाओं को गुजारा भत्ता देने का अधिकार है।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय हाईकोर्ट ने साहबानों के पति को साहबानों को गुजारा बता देने का निर्देश दिया। न्यायालय के अनुसार आपराधिक प्रक्रिया संहिता पर्सनल लॉ से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मामला महिला के अधिकार से संबंधित है, मौलिक अधिकार 21 से संबंधित है, जिसे धर्म से जोड़कर देखना तार्किक नहीं है। तो महिला का गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार को आप विलोपित नहीं कर सकते। फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। फिर क्या बोला कोर्ट ने आगे, कोर्ट बोला अपील में उच्चतम न्यायालय, फिर सुप्रीम कोर्ट में जैसे गया उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय को वैधानिक माना, बिल्कुल जस्टिफाइड ठहराया, बिल्कुल सही बोल रहा है कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने साहबानुवाद में 1986 राजीव गांधी की सरकार थी, राजीव गांधी सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया कि भारत में एक समान नागरिक संहिता का निर्माण होना चाहिए, निर्माण आवश्यक है, परंतु उच्चतम न्यायालय का निर्णय लागू नहीं हो सकता क्योंकि ये न्यायोचित नहीं होते हैं, क्योंकि राजीव गांधी सरकार के द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता में संशोधन कर दिया गया है ना, लागू नहीं हो सका। मतलब ये कोर्ट का ही निर्णय लागू नहीं हो सका कि भाई उन्हें गुजारा भत्ता मिले, क्यों? क्योंकि भाई ये सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर तो था ये प्रावधान, तो ये सीआरपीसी को अमेंड कर दिया राजीव गांधी सरकार ने, जबकि कोर्ट ने तो बोला था मुस्लिम पर्सन लॉ में अमेंड करो, जबकि राजीव गांधी सरकार ने जो थोड़ी बहुत गली भी थी ना वो भी बंद कर दी। थोड़ी बहुत गली क्या, मुस्लिम पर्सनल लॉ तो नहीं बोलता था गुजारा भत्ता की, लेकिन आपराधिक कानून सिविल जो था अपने आपराधिक प्रक्रिया संहिता वो बोलती थी कि गुजारा भत्ता महिला को मिले, जिसके आधार पर एमपी हाईकोर्ट ने बोला ही था देने के, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको वैध ठहराया, ठीक है ना। लेकिन राजीव गांधी सरकार ने और उल्टा कर दिया, क्या कर दिया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता में संशोधन कर दिया जिसके अनुसार मुस्लिम तलाक के बाद पति मुस्लिम महिला तलाक के बाद अपने पति से गुजारा भत्ता की मांग नहीं कर सकती, है कि नहीं है भावुक मतों, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों हुआ, राजीव गांधी सरकार क्यों एंटी गई महिलाओं के, है ना, मुस्लिम महिला की यहाँ बात थी कि क्यों उसको अधिकार से वंचित कर दिया गया साहबानों के, ये सुन लो आगे। आलोचकों के अनुसार राजीव गांधी सरकार का यह निर्णय तुष्टिकरण की नीति पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट का परिणाम था। एक्चुअली क्या, जैसे जो अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स है कि मुस्लिम जैसे जो वोटर्स हैं वो कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है, तो कांग्रेस का ये मानना था कि इससे तो मुस्लिम जो पुरुष हैं वो नाराज हो जाएंगे अगर उनको ये दे दिया गया अधिकार महिलाओं को कि गुजारा भत्ता तुमको लेने का अधिकार अपने पति से, तो मुस्लिम पति तो बेचारे नाराज हो जाएंगे कांग्रेस से, कांग्रेस को राजीव मतलब राजीव गांधी कांग्रेस के तो थे, तो कोई राजीव गांधी को वोट कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देगा, तो राजीव गांधी एमपी नहीं बनेंगे, एमपी नहीं बनेंगे तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, गड़बड़ होगी कि नहीं हुई। तो ये तुष्टिकरण की राजनीति से ये बंधा हुआ था, तो ऐसे अपन को ध्यान देना, ठीक है। तो महिलाओं की गरिमा को भी नो डाउट ठेस पहुंची, सारा साहबानों को वगैरह को सबको, उसके आगे जब तक अभी तक ये साहबानों नहीं आई थी तब तक तो चला ये सब उत्पीड़न का काम, है ना। तो ऐसे अपन को ध्यान देना, ये था साहबानोवाद में कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो अलाउ नहीं करता लेकिन आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत उसको दिया जाना था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला दो, राजीव गांधी सरकार बोली नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि जो जहाँ चीज है ना संहिता जो बोलती है कि देना पड़ेगा तो हम उसी को अमेंड कर देते हैं, राजीव गांधी सरकार ने बोला और अमेंड कर दिया उसको। तो भाई कोर्ट तो कानून को इम्प्लीमेंट कराता है ना, कानून बनाने का काम तो संसद का है कि नहीं, तो संसद ने कानून ऐसा बना दिया तो अब कोर्ट उसको फिर नहीं कर पाया। हालांकि जुडिशियल पावर, जुडिशियल रिव्यू का पावर था कोर्ट के पास, लेकिन कोर्ट ने भी उसको अप्लाई नहीं किया, कारण कुछ भी हो सकते हैं, है कि नहीं। वो सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, आप जानते हो अच्छी तरह। वो कहते हैं नहीं कि मतलब कोई भी व्यक्ति मतलब यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियाँ उनकी रही होंगी, तो वही बात बंधे रहते हैं सब अपनी अपनी मजबूरियों से, ऐसी बात है, ठीक है। तो भाऊ मतो आ गया जाओ कि कहने का मतलब इतना सा है कि साहबानों को गुजारा भत्ता नहीं मिला और फिर आने वाली पीढ़ी अभी 21वीं शताब्दी तक उसको दंश को झेलती रही। ओके, फिर आगे देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने हाल के निर्णय, हाल अब आएगा साहबानों, हाल के निर्णय में यह भी कहा कि विवाह का मामला अंतःकरण की स्वतंत्रता से बिल्कुल संबंधित नहीं है। अंतःकरण क्या है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइड, अंतरात्मा क्या कहती है, इसलिए इसको नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है ना। फिर क्या है, उच्चतम न्यायालय ने हाल के निर्णय में यह भी कहा है, उच्चतम न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि दूसरे विवाह के लिए धर्मांतरण करना असंवैधानिक है। हिंदू के रूप में आपने एक शादी कर ली, फिर मुस्लिम बनकर दूसरी शादी करो, तो ये तो आप अवसरवादी हो गए, आ जाओ जेल के अंदर, है ना। न्यायपालिका के अनुसार यह धार्मिक विषय पर आधारित नहीं है बल्कि महिलाओं के उत्थान से जुड़ा हुआ विषय है। उच्चतम न्यायालय ने हाल के निर्णय में यह भी कहा जा चुका है कि बहुपत्नी प्रथा
और तीन बार तलाक देने का प्रावधान इस्लाम धर्म का मूल भाग नहीं है बल्कि यह महिलाओं से जुड़ा हुआ सामाजिक मुद्दा है। तीन तलाक देखेंगे अभी अपने बहु पत्नी पॉलीगैमी, इसलिए समान नागरिक संहिता का निर्माण भाग प्रशस्त होता जा रहा है। अब आ जाओ कौन है, सायरा बानो। ठीक है, अब देखो ये आ गए तीनों, दोनों का मतलब शाहबानो और सायरा बानो तक तीन तलाक का मुद्दा। तीन तलाक का मुद्दा अपन जैसे देख रहे हैं, शाहबानो अपन ने जैसे अभी देख ही लिया है एमपी, अपन देखें सायरा बानो तुलनात्मक रूप से टेबल बनी हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, छप जानी चाहिए। कहां पर? नोट्स में तो छपी हुई है यार, क्या करते हो, दिमाग में, समझ गए। शाहबानो केस और सायरा बानो केस में क्या फर्क है, बेसिक यही क्वेश्चन था, पूछा जाता है बार बार। शाहबानो ये लो, सायरा बानो ये लो, इधर कंटेंट है। किसे चुनौती दी गई? तीन तलाक के बाद कम गुजारा भत्ता को। और सायरा बानो में किसे चुनौती दी? तलाक बिद्दत, जो तीन तलाक है ना उसको तलाक बिद्दत भी बोलते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट में कब पहुंचा केस? सायरा बानो 1981 में और सायरा बानो 2016 में, इस समय। फिर आप देखो, फिर आगे देखते हैं कब आया फैसला। सायरा बानो का 85 में आया और सायरा बानो का 2017 में। नाम पढ़ो अच्छी तरह, सहा बानो, इतना ही फर्क है, ये सहा और सायरा, बानो बानो तो दोनों में, एक में सहा है एक में सायरा है, इसमें दो अंक है इसमें तीन अंक है, बस यही है, सहा एंड सायरा। ठीक है, दो वाला 1985 राजीव गांधी और सायरा तीन वाला 2017। क्या आया फैसला? तीन तलाक में भी महिला गुजारे भत्ते के लिए हकदार है, कोर्ट ने ऐसा बोला था, लेकिन फिर राजीव गांधी सरकार ने बदल दिया था, अपन देखा अभी अपन ने। और सहारा बानो में क्या होना, तीन तलाक असंवैधानिक है क्योंकि ये अनुच्छेद 21 को हनन करता है। फिर क्या हुआ, केंद्र सरकार की क्या भूमिका रही? कानून बनाकर फैसला पलट दिया कोर्ट का, आपराधिक प्रक्रिया संहिता में संशोधन कर दिया, सीआरपीसी में नहीं मिला गुजारा भत्ता। और जबकि सहारा बानो केस में मोदी सरकार द्वारा नया कानून बनाया गया, दर्पण में पढ़ाया था पूरा मैंने करंट में। ठीक है, तो ये है कंपेरेटिव, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ओके, आ जाओ अब आगे चलते हैं। अब ये सारी इसकी डिटेल ही है पूरा, जो मैंने अभी आपको सारा पढ़ के बताया ना, शाहबानो वही सेम वही चीज है, एक बार इसको पढ़ लेना। सायरा बानो केस देखते हैं अपन, चीजें वही हैं जो अभी टेबल के रूप में देखी, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, है ना, क्योंकि एक मिनट है ना, सायरा बानो थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि सायरा बानो अपन ने देखा नहीं, तीन है ना, सायरा बानो तीन मतलब 2016 में आया था और 2017 में इसका वर्डिक्ट आया। फरवरी 2016 में उत्तराखंड, एक डेवलपमेंट और आ गया ना, एक फर्क और आ गया। शाह बानो कहाँ से थी? एमपी से। सायरा बानो उत्तराखंड, उत्तराखंड के काशीपुर में रहने वाली सायरा बानो 38 वर्षीय मुस्लिम महिला बनी जिन्होंने तीन तलाक और बहुविवाह पॉलीगैमी और निकाह हलाला, ये भी जैसे एक विवाह का प्रकार में पद्धति है, पर बैन लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी, है ना। सायरा की शादी 2002 में इलाहाबाद की एक प्रॉपर्टी डीलर से हुई थी। सायरा बानो का आरोप था कि शादी के बाद उन्हें हर दिन पीटा जाता था, पति हर दिन छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता था। भावुक मत हो, इधर ध्यान रखो थोड़ा। पति ने उन्हें टेलीग्राम के जरिए तलाकनामा भेजा, वे एक मुफ्ती के पास गई तो उन्होंने कहा कि टेलीग्राम पर भेजा गया तलाक जायज है, पूरे कुएं में भांग मिली हुई है। पति भी गलत, मुफ्ती भी गलत, लेकिन कोर्ट सरकार गलत नहीं हो सकते भैया। सायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट में निकाह हलाला के रिवाज को भी चुनौती दी, ये तीन तलाक का ही एक हिस्सा है। इसके तहत मुस्लिम महिलाओं को अपने पहले पति के साथ रहते हुए दूसरे शख्स से दोबारा शादी करनी होती है ना, ये इसमें है अपने निकाह हलाला के अंदर। तो मेन जो मुद्दा था ना, देखो सायरा बानो के, वो था अंदर तीन तलाक, पॉलीगैमी और निकाह हलाला को अभी इतना नहीं छेड़ा गया, मेन जो छेड़ा गया है वो तीन तलाक को छेड़ा गया है, इसी पे बना कानून मेन आगे, है ना। अब आगे अपन इसके अंदर देखते हैं थोड़ा और, ट्रिपल तलाक आ जाएगा, पूरा इंग्लिश के अंदर है। तो ये तो शाहबानो सायरा बानो आप समझ गए, ये सारा ही है सारा, ठीक है ना, ये शाहबानो अपने इधर देखा, ये शाहबानो और सायरा बानो। एक चीज मैं इनकी फोटो दिखाऊं, फोटो मैंने निकाल के रख रखी थी थोड़ा सा, और दोनों में फर्क ना, ये देखो, अब देखो इसमें देखो, है ना, एज देखो आप, एज से पता लग रहा है थोड़ा सा, ये वर्तमान में भी जिंदा है, ये कौन होगी बूढ़ी में हुई तो, ये कौन है, ये शाहबानो है। ठीक है, कब आया वर्डिक्ट? 1985 में, राजीव गांधी सरकार आई गया 1985 में तो पलट दिया, ये सब ये शाहबानो ही है, क्या नहीं, इमेज ध्यान रखो ऐसे, इंदिरा गांधी नहीं है कि आप राजीव गांधी के साथ इंदिरा गांधी समझ जाओ गड़बड़ कर दोगे, कौन है ये शाहबानो, इंदिरा गांधी नहीं है, ठीक है।
गड़बड़ मत कर देना यार। अब ये आ जाओ, ये तो होगी कौन सा बानो। अब देखो सायरा बानो, ये सायरा बानो ही है, ठीक है। सायरा बानो जो 3 तलाक को जिन्होंने चैलेंज किया, सायरा बानो। ये नहीं, ये इनको छोड़ दो, ये तो सॉन्ग्स वाली है, ये अलग है। इतना ध्यान दो, ये सायरा बानो मायावती नहीं है कि आप समझो मायावती है, ये सायरा बानो है, ठीक है ना। ये सायरा बानो, ये देखो 3 तलाक सायरा बानो, द मैन द वुमेन हु वांट्स टू चैलेंज 3 तलाक, ऐसे ये सारे सायरा बानो। ये अब देखो ये कौन है, ये अब ये फोटो ये आ गई है, ये कौन है, ये शाह बानो, ऐसे। तो यूँ आता फ्रॉम शाह बानो टू सायरा बानो। अब ये सायरा बानो, ये अलग दिलीप कुमार, ऐसे। चलो दिलीप कुमार के चक्कर में थोड़ा आ जाओ, फिर मेन बिंदु से थोड़ा डाइवर्ट हो जाओगे, आ जाओ, है ना। तो ये अपने जैसे तुलनात्मक रूप से देख ही लिया। अब फिर देखो इसमें ये पूरा जो 3 तलाक में जो सायरा बानो केस में हुआ ना, सारी चीजें वही है। अब इसमें जो एक समझने वाली बात है ना, ये अनुच्छेद 44 जैसे मैंने आपको बता ही दिया सारा, ये इजी है, एक बार इसकी रीडिंग लगा लेना। ये सायरा बानो केस आ रहा है, 5 जजी है, 5 जज थे उसमें, और अलग अलग कम्युनिटी से थे। देखो जैसे सिख था, क्रिश्चियन थे, पर्शियन थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे। फिर इसमें जैसा फैसला जो है ना, वो 3-2 मेजोरिटी से आया, 3 ने यस बोला, 2 ने ना बोला, ठीक है। ऐसे करके एक बार इसकी हल्की सी रीडिंग लगा लेना, बेसिक कॉन्सेप्ट चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको भी ऊपर बताई थी सारा। फैसला देखो ये डेट से एक बार देख लो कि 30 जुलाई 2019 को फिर पार्लियामेंट ने 3 तलाक को इलीगल कर दिया। ये डेट इंपॉर्टेंट है, 30/7/2019, 30/7/19 पार्लियामेंट ने इलीगल बना दिया, पनिशेबल ऑफेंस बना, है ना। इसको असंवैधानिक करार दिया और पनिशेबल ऑफेंस बना, और 1 अगस्त 2019 से इफेक्ट में आ गया, है ना। एक्ट, ये जो एक्ट बना फ्रॉम 1 अगस्त विच इज डीम्ड टू बी इन इफेक्ट फ्रॉम 19 सितंबर 2018, मतलब बैक डेट से इसको लागू किया गया। 1 अगस्त 2019 को बन गया था एक्ट, जो कि 19 सितंबर 2018 से लागू है। और कब बनाया संसद ने ये एक्ट, 30/7/2019, मतलब पार्लियामेंट ने इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया 3 तलाक को। पनिशेबल ऑफेंस बना किस एक्ट के तहत, अगस्त 2019 के एक्ट के तहत। और ये एक्ट लागू कब से है, 19/9/18 से, ऐसे ध्यान रखना अपन को, ठीक है ना। फिर एक देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो यहाँ नीचे लिखी हुई है, क्या ये लाइन पढ़ो, क्या बात है। इंडियन मुस्लिम नेबर्स आर अमंग 23 कंट्रीज दैट हैव बैंड 3 तलाक ऑलरेडी, है ना। मतलब कहने का मतलब क्या है, भारत के आसपास जो मुस्लिम राष्ट्र हैं उनमें ऑलरेडी 3 तलाक बैन है। कई मुस्लिम देश ऐसे जिनमें भारत से पहले, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वहाँ ऑलरेडी 3 तलाक बैन है। तो यार फिर अपन क्यों नहीं कर सकते, याद कर लो राजीव गांधी वाला कारण, तुष्टिकरण की राजनीति कारण, है ना, तुष्टिकरण की राजनीति। तो ये पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट जब तक होगी, जैसे नरेंद्र मोदी ने टफ स्टैंड दिखाया, क्योंकि बोला ही गया कि भाई हिंदू पार्टी है, नरेंद्र मोदी भगवा करण, मुस्लिम वोट बैंक से लेना देना नहीं है ज़्यादा, तो वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए इच्छा शक्ति मायने रखती है काफ़ी, ठीक नहीं, जो नरेंद्र मोदी ने दिखाई है। तो मुस्लिम देश के अंदर जो चीज़ बैन है वो अपन नहीं कर रहे थे यार, मतलब शोषण था कि नहीं था, है कि नहीं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो ये ऐसे अपन को ये स्टैंड याद रखना। जैसे मैं आपको बात बताता हूँ, अपन पढ़ते हैं ना, क्या आपने सुना होगा, जैसे हिस्ट्री थोड़ी बहुत आपने पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो आप जान जाओगे। एक जैसे चला था खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919, फिर अपने चला 21 के लगभग, जैसे 21/22/23, है ना। तो खिलाफत आंदोलन खलीफा को बचाने के लिए था, जो तुर्की में जो खलीफा हुआ करता था। तो 1919 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया था, तो ब्रिटेन चाहता था इस खलीफा को बिल्कुल ख़त्म कर दो, तो दिल्ली सल्तनत से चला आ रहा था, पुराना था काफ़ी, तो खलीफा को ख़त्म कर दो। तो जबकि भारतीय मुस्लिम चाहते थे कि नहीं यार खलीफा ख़त्म नहीं होना चाहिए, जबकि तुर्की के अंदर जो अपन देखते हैं इस्माइल पासा, तो वो वहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन लाना चाहता था। तुर्की की जनता चाहती थी कि ये खलीफा को साइड में बैठाओ, क्योंकि ये मध्यकालीन संस्था को रिप्रेजेंट करता है खलीफा, तो तुर्की की जनता उसके अगेंस्ट में थी, खलीफा को ख़त्म करना चाहती थी। और अपने महात्मा गांधी खुद हुए लड़ाई के अंदर कि मैं खलीफा को बचाऊंगा, है कि नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आता है मेन में, RS, UPSC सब में, कि खिलाफत आंदोलन में कहीं गांधी भूल तो नहीं कर गए, कि गांधी ने उस डिमांड को पकड़ लिया जो कि आधुनिक समय में महिलाओं के या मुस्लिम समाज के लिए उपयोगी नहीं थी। तुर्की की जनता मतलब जहाँ तुर्की जहाँ सीट है खलीफा की, तुर्की की जनता खलीफा को हटाना चाहती है और महात्मा गांधी उस खलीफा को बचाना चाहते हैं, तो विरोधाभास है कि नहीं है। इस्माइल पाशा अपने तुर्की के नेता, उनके नेतृत्व में चला आंदोलन। तो फिर अपने भारतीय में देखते हैं, भारतीय मुस्लिमों को महात्मा गांधी ने बोला कि मैं बचाऊंगा खलीफा को, विघटन को रोकूंगा उसके, तो नहीं रोक पाए महात्मा गांधी।
और फिर मुस्लिमों ने देखा कि गांधी ने तो अपन को बेवकूफ बना दिया, कि बोल रहा था मैं अशोक आंदोलन में सहयोग दो, खिलाफत आंदोलन और अशोक आंदोलन को मिला दिया गया था गांधी के द्वारा इस वायदे के ऊपर। फिर मुस्लिम नेताओं ने देखा कि यार गांधी तो हमको जो बोला था गांधी ने खलीफा को बचाएंगे वो नहीं बचा पाया। तो फिर बस ये लास्ट मूवमेंट था ये खिलाफत आंदोलन, जिसमें हिंदू और मतलब मुस्लिम, या यूं कह लो मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ थे। इसके बाद बिल्कुल दूरियां बढ़ती चली गई जो आज तक बढ़ी हुई है, देख लो आप, दोनों विपरीत दिशा के अंदर गए, जिसका फायदा जिन्ना ने उठाया बीच में, है कि नहीं है? तो ये समझना। तो क्या क्या इस समय देश के अंदर माहौल है, क्या राजनीति है, तो ये सब समय की मजबूरियां होती हैं। तो वही जो मैंने पहले बोला था, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां उनकी रही होंगी। तो जैसे महात्मा गांधी फेल हुए, ऐसे राजीव गांधी फेल हो गए, है कि नहीं है? तो ऐसे अपन को समय की मांग समझना है। तो आज जैसे जो मुस्लिम नवयुवक हैं या नवी युवतियां हैं, वो चाहते हैं कि यार जैसे खासतौर पर मुस्लिम गर्ल्स की ऐसे हमारा शोषण होता है, खत्म होना चाहिए। तो है कि नहीं? आप जैसे नरेंद्र मोदी को मेजोरिटी मिली है, तो मुस्लिम बहुत प्रांतों में जीत के आए ये, और जो नव युवक है, नव युवतियां हैं, वो इनको वोट देते हैं। ऐसे अपन को इसको ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट समझो क्या चल रहा दिमाग में पीछे। फिर देखो एक अच्छी चीज और समझो कि कुरान में इटसेल्फ ये बैन नहीं है तीन तलाक। देखो द कुरान एस्टेब्लिश मींस टू अवॉइड हैस्टी डाइवोर्स। जल्दबाजी में नहीं थे तो कैसे एक बार बोल दिया? कुरान में तो ये बोला है कि टू वेटिंग पीरियड होने चाहिए 3 मंथ के। जैसे आज बोल दिया ना तलाक, फिर अब 3 महीने बाद बोलोगे? ऐसा नहीं कि पैक लगा लिया और शाम को हाँ टी 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 खाना टाइम पर नहीं मिला, तलाक तलाक तलाक, ऐसे नहीं। तो कुरान को तुम नहीं मानते, कुरान में लिखा ही नहीं है। कुरान में लिखा है 3 तलाक, लेकिन कुरान में बोला है कि 3 महीने का जेस्टेशन पीरियड होना चाहिए, 2 वेटिंग, है ना? मतलब 3 बार बोलना है, 1, 2, 3, ये 3 बार हो गया ना, तो एक गैप ये आ गया, एक गैप ये आ गया। भाई 3 बार में 2 ही तो गैप आएंगे, 3 बार में 3 गैप थोड़ी आएंगे, है कि नहीं? तो पहला गैप, दूसरा गैप, ये 2 गैप हो जाने चाहिए। कितने कितने? 3 मंथ के, ये 3 मंथ का, ये 3। जैसे मान लो आज बोल दिया, फिर 1-3 महीने बाद अगले जो बोलोगे वो 3 महीने बाद बोलोगे तलाक, फिर अगला जो तीसरा तलाक बोलोगे वो फिर अगले 3 महीने बाद। तो 3 और 3 से 6 महीने का समय लग गया ना, या तो 6 सेकंड में बोल दिया तलाक तलाक तलाक, गड़बड़ है कि नहीं है? गड़बड़ है सर। तो इसलिए तो मोदी भाई ने पकड़ी बात ऐसे, ठीक है? ये चीज़ अपन को समझनी है। हेस्टी का मतलब होता है जल्दबाजी में, हेस्ट इज वेस्ट जैसे बोलते हैं ना, हेस्ट इज वेस्ट, HW। ओके, ये तो इसको एक बार रीडिंग लगा लो काफी। फिर देखो, अभी वर्तमान समय में सामान्य नागरिक संहिता को लागू करने की मांग की जा रही है। क्यों की जा रही है मांग? ऐसा क्या है अभी भारत में? तो वो ये कारण है कि भारत एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है ना? तो पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है तो मतलब, पंथनिरपेक्ष मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है? तो देखो, पंथनिरपेक्ष संविधान का आधारभूत ढांचा, पंथनिरपेक्ष देश में धार्मिक आधार पर विधियों का निर्माण अतार्किक प्रतीत होता है। तो आपने तो बोला है कि भाई ठीक है, धर्म के आधार पर सब बराबर है, जबकि क्यों अलग, क्यों भाई डाइवर्स का कानून हर धर्म में अलग अलग है? तो धर्म के आधार पर विधियों का निर्माण अतार्किक है, ये इसमें बिंदु है। तो जैसे सहानुवाद के अंदर बोला ही ऐसे। फिर देखो, भारत में राजनीतिक दल को राजनीतिक प्रयोग करते हैं, वही जो मैंने ऊपर बताया था, तुष्टिकरण की राजनीति, वो ध्यान रखना है इसके अंदर। अगला बिंदु क्या है? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है। ऐसे उच्चतम न्यायालय ने सहानुवाद व सरला मुद्गलवाद में स्पष्ट कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समान नागरिक संहिता का निर्माण आवश्यक है। तो पहला बिंदु देखा था कि ये पंथनिरपेक्षता को ठेस पहुंचाता है, महिला सशक्तिकरण को ठेस पहुंचाता है 3 तलाक का मुद्दा, तो सिविल नागरिक संहिता बननी चाहिए। फिर ये एक बिंदु देखो, विविधतापूर्ण समाज, ये थोड़ा बिंदु इंपॉर्टेंट है। ये इस बिंदु का कहना ये है कि विविधता बनाए रखने के लिए, कि विविधता बनाए रखने के लिए एक समान संहिता नहीं होनी चाहिए, ये यूं है। थोड़ा पॉइंट उल्टा है, लेकिन समझो, भारतीय समाज अत्यधिक विविधतापूर्ण है। पूर्वोत्तर राज्यों में, नागालैंड जैसे पूर्वोत्तर राज्य जो है, वहाँ अपने अपने वैवाहिक विधियों का निर्माण स्वयं करते हैं, जो जनजातीय परंपरा पर आधारित है। इसलिए भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में एकता का आशय विविधता में एकता है, अतः विविधताओं को समाप्त करके एकता का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो ये उसके एंटी में है, समान नागरिक संहिता क्यों नहीं होनी चाहिए? तो ये वो इसलिए कि भारत अपनी विविधताओं के लिए जाना जाता है। लेकिन बीच का रास्ता ये है कि कोई जातिपूर्ण जैसे जो है अनुच्छेद 21 का, कोई परंपरा अनुच्छेद 21 का विलोपन करती है, तो उसको हटाया जाना जरूरी है लोक हित में, ठीक है? फिर अपन इसमें आगे देखते हैं क्या है धार्मिक अधिकार क्या है। समान नागरिक संहिता के विरोधी यह तर्क देते हैं कि उनके व्यक्तिगत कानून या पर्सनल लॉ धार्मिक आधारों के अंतर्गत आते हैं, और अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक अधिकार है, ठीक है? तो मुझे तलाक देने का अधिकार है। लेकिन देखो क्या है, यद्यपि यह भी उल्लेखनीय है कि भाग 3 में वर्णित धार्मिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, अपितु सामाजिक कल्याण के अधिकार पर धार्मिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है कि नहीं है? ऐसे
मेरे नाक की सीमा वहां खत्म हो जाती है जहां दूसरे की नाक की सीमा चालू हो। लिख लो नोट्स में, बहुत काम आती है, समझ गए। तो कोई भी ऐसा मौलिक अधिकार, मतलब अपना कोई अधिकार किसी धर्म में जो अनुच्छेद 21 की अनुपालना नहीं करता है, तो वो उसको सरकार या कोर्ट ऐसे मैदान ही देता है, फिर सरकार उसको हटाती है कि नहीं। तो जैसे सती प्रथा को बैन हुआ है कि नहीं, संथाला बैन हुआ, मतलब कगार पे है जस्ट ऑलमोस्ट बैन होने के। ओके, फिर यह, फिर निष्कर्ष में जैसे अपन क्या देखते हैं, निष्कर्ष के रूप में क्या है कि समान नागरिक संहिता का विचार निर्वाध रूप से बेहतर विकल्प है, मतलब नो डाउट बहुत बेहतर विकल्प है, परंतु उसके निर्माण से पहले विभिन्न समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ क्या कर लेना चाहिए, संवाद, सबको बुलाओ बैठो, यार भैया गलत कर रहे हो यार, तुम ऐसे नहीं, यार देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, बैठ के बात करो, है ना। तथा इसे क्रमिक रूप से धीरे धीरे, जैसे आपने देखा तीन तलाक का भी था, हलाला का भी था, है कि नहीं। तो अभी अपन ने सिर्फ तीन तलाक को छेड़ा, ठीक है, अभी अपन ने जैसे हलाला का निकाह, हलाला का जैसे मुद्दा अपन ने नहीं छेड़ा, तो क्रमिक रूप से धीरे धीरे लागू करो और सबकी सहमति, सबकी सहमति लेकर लागू किया जाना चाहिए, है ना। कंसेंसस होनी चाहिए, कोर्सन नहीं होना चाहिए। कंसेंसस मतलब आम सहमति, और कोर्सन का मतलब दबाव बल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। समझाओ सबको कि देखो समय पहले अलग था, आज समय अलग है, सबके अधिकार है अपने अपने, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से बंधे हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार है कि नहीं। तो उन सब की अपन सभी को, या हर विधि, हर जो धार्मिक विधि है उसको, उसका अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अनुच्छेद 21 का ध्यान रखना जरूरी है, समझ गए। ऐसे है ये चीज, तो ये था, तो इसको पढ़ो, जैसे बड़ा इंपॉर्टेंट है ये अनुच्छेद 44। अब आता है अनुच्छेद 45, इसको देखते हैं आगे।